हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इसकी समरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम की समरी। इस पोम में रेन से पोएट पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो रेन ने रिप्लाई दिया कि मैं अर्थ की कविता हूँ। और ये जवाब रेन ने एक ह्यूमन वॉइस में दिया, जो कि पोएट के लिए एक स्ट्रेंज बात थी कि रेन ने मुझे रिप्लाई दिया। रेन पोएट को बता रही है कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वाटर वेपर की फॉर्म में बॉटमलेस सी से मैं ऊपर जा रही हूँ, और प्लांट से, लैंड से, ट्री से, सी से ऊपर जा रही हूँ। और जब मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरा शेप चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं क्लाउड बन जाती हूँ। लेकिन मैं वही हूँ, अर्थात मैं बारिश की बूंद ही हूँ, पानी की बूंद ही हूँ। फिर ये जो रेन होती है बारिश के फॉर्म में, वापस धरती पर आकर सूखी जगह को गीला कर देती है, और सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें इस संसार में डस्ट से भर जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, जिनको वॉश करके ये जो पानी की बूंद है, बारिश है, ये उनको बहुत ही सुंदर बना देती है, उनको ब्यूटीफाई कर देती है, और सब चीज़ों को वॉश करके फिर से सुंदर बना देती है। और रेन कहती है कि मैं उनको भी पानी देती हूँ जो सीड्स दिखाई नहीं देते, अर्थात ऐसे सीड्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं, और मैं उनको पानी देकर उजागर कर देती हूँ, क्योंकि इसी पानी के वजह से ही तो सीड ज़मीन के अंदर से निकलेगा ना, पानी उसको मिलेगा, इसीलिए उसकी ग्रोथ होगी और वो ज़मीन के बाहर आएगा। और रेन कहती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो अपनी जर्नी पूरी करके अपने बर्थ प्लेस यानी लैंड में फिर से वापस आ जाती हूँ। पोएट ये भी कहते हैं कि जैसे एक सिंगर गाना गाता है तो कुछ लोग उसके गाने को पसंद करते और कुछ लोग उसके गाने को पसंद नहीं करते, लेकिन वह गाना गाता है, यानी कि वो ट्रैवल जो उसका सॉन्ग होता है वो उसके हार्ट से निकलता है, और ट्रैवल करके यानी कि लोगों को सुना के जब कुछ लोग पसंद कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, और फिर वो पूरी ट्रैवल पूरी करके उसी के हार्ट में वापस आता है। और किस फॉर्म में वापस आता है, कोई प्राइज़ या लव के फॉर्म में, जिससे प्रेज मिलता है उसके फॉर्म में, उन सिंगर के हार्ट में वह वापस आ जाता है। तो जो पोएट है वो रेन का कंपैरिजन एक सिंगर से करते हैं और कहते हैं कि रेन भी एक सिंगर की तरह ही है, वो भी अपनी पूरी जर्नी पूरी करती है, चाहे किसी को पसंद लगता है कि बारिश हुई, किसी को लगता है कि हाँ ये बारिश होना सही है, किसी को नहीं लगता है कि बारिश क्यों हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया, हम ऑफिस नहीं जा पाए, तो लेकिन रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो पोएट हैं रेन का कंपैरिजन एक सिंगर से करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इस पोएम की समरी ख़त्म हो जाती है, बहुत ही इजी पोएम है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम की वर्ड मीनिंग। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पोम की समरी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको प्रेस करके आप इस पोम की समरी को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज दाओ। ओल्ड लैंग्वेज में यू को दाओ कहा जाता था, तो दाओ की मीनिंग है स्टूडेंट्स यू, यानी कि तुम। हु आर्ट दाओ, तो इसकी मीनिंग हो गई हु आर यू। एटर्नल की मीनिंग होती है एवर लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला, यानी कि अनंत। नेक्स्ट है इम्पेलपेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज वेंस, फ्रॉम वेयर। नेक्स्ट इज वैगली, नॉट क्लियरली। नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंड, कम डाउन, यानी कि नीचे उतरना। नेक्स्ट बॉटमलेस सी, डीप सी। नेक्स्ट वर्ड इज लिव, वॉश, बाथ, यानी कि नहला देना किसी चीज़ को। ड्रॉट्स, ड्राइनेस, यानी कि सूखा। नेक्स्ट इज एटोमीस, टिनी पार्टिकल, बहुत छोटे लघु कण कहते हैं जिसे।
नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोब, जिसकी मीनिंग वर्ल्ड है. नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट, हिडन यानी कि छिपा हुआ. अनबॉर्न, नॉट बॉर्न, जो अभी पैदा नहीं हुआ. नेक्स्ट वर्ड इज फॉर एवर यानी कि कंटिन्यूस. नाउ नेक्स्ट इज ओरिजन, सोर्स ऑफ बर्थ, अर्थ कह सकते हैं या सोर्स ऑफ बर्थ जो सीड का था, उद्गम स्थान, जन्म स्थल भी कह सकते हैं हिंदी में, जो इस पोम में सीड के लिए यूज किया गया है, ऑरिजिन यानी कि अर्थ या सोर्स ऑफ बर्थ. नेक्स्ट वर्ड इज फुलफिलमेंट, टू फुलफिल. नेक्स्ट रैक्ड और अनरैक्ड, केयर्ड अबाउट और नॉट केयर अबाउट. नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्डरिंग, टू ट्रेवल. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हार्ड वर्ड्स की मीनिंग कंप्लीट हुई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ. बाय. हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स, इस पोम में पोएट रेन से एक क्वेश्चन करते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या पूछते हैं. एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए गए हैं. यहाँ पे हु आर्ट दाउ की मीनिंग होगी हु आर यू. तो रेन से पूछते हैं शावर यानी कि बौछार. रेन से पूछते हैं, बौछार से पूछते हैं कि तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड. आप पोएट कहते हैं कि मुझे ये अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा कि रेन ने मुझे आंसर किया, और उसको वो यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं. क्या कहते हैं? आई एम द पोम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. अब वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि रेन ने कहा कि मैं अर्थ की कविता हूँ. और कैसे कहा? एक वॉइस में कहा. तो रेन की क्या होती है स्टूडेंट्स? एक साउंड होती है. लेकिन यहाँ अजीब उनको इसीलिए लग रहा है पोएट को, क्योंकि वो ह्यूमन, वो वॉइस किसकी होती है? ह्यूमन की होती है. तो वो ह्यूमन वॉइस में आंसर देती है कि मैं अर्थ की कविता हूँ. एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. एटर्नल की मीनिंग होती है एवर लास्टिंग यानी कि अनंत, कभी ना ख़त्म होने वाला. इम्पैल्पेबल की मीनिंग होती है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसे छुआ ना जा सके. अब यहाँ पोएट बताते हैं कि पोम कह रही है कि मैं एटर्नल यानी कि एक अनंत जगह से, लैंड से, एक अनंत लैंड से उठती हूँ, और बॉटमलेस सी. अब सी का तो बॉटम होता है ना कहीं ना कहीं, चाहे जितना भी गहरा होगा लेकिन उसका बॉटम ज़रूर होगा. तो यहाँ हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है. कहा गया है कि बॉटमलेस सी, ये ऐसा सी जिसका बॉटम ही नहीं है. तो मैं वहाँ से उठती हूँ और कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू द हेवन, और हेवन यानी कि ऊपर स्काई में जाती हूँ. वेंस वीकली फ्रॉम ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड गेट द सेप. अब वेंस की मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ होती है वेयर, और वेगुली की मीनिंग होती है नॉट क्लियरली, मतलब जो अच्छे से दिखाई नहीं देती. एंड चेंज यर द सेम. फिर रेन कहती है कि मैं ऊपर की तरफ यानी कि आसमान में जाती हूँ, और फिर जो मतलब साफ नहीं दिखाई देती, और क्या बन जाती हूँ? बादल बन जाती हूँ, क्योंकि बादल अच्छे से फिर बूंद की तरह दिखाई नहीं देती ना, वो बारिश की बूंद होती है, पानी होता है नीचे से ऊपर को, वापर वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है, लेकिन जब वो ऊपर उठता है तो हमें दिखाई नहीं देता, वेगली क्लियरली दिखाई नहीं देता कि वही बारिश की बूंद है. और नॉट येट द सेम, और मैं होती वही हूँ, यानी कि मैं जो नीचे से पानी ऊपर जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, मैं वही होती हूँ. आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. अब डिसेंड की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है कम डाउन यानी कि नीचे उतरना, और लेव की मीनिंग होती है वॉश, बाथ, नहला देना मतलब धो देना, और ड्रॉट्स यानी कि ड्राइनेस, सूखा. एटोमीज की मीनिंग होती है टिनी पार्टिकल, एंड ग्लोब मीन्स वर्ल्ड. तो यहाँ रेन कह रही है कि मैं ऊपर जाती हूँ, उसके बाद फिर आई डिसेंड यानी कि मैं नीचे उतरती हूँ, और जितनी भी संसार की, इस ग्लोब में जितनी भी सूखी हुई चीज़ें,
चाहे वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, लघु कण है या जो भी चीज़ है, और डस्ट से भरी हुई लेयर्स लगी हुई है उसके डस्ट की, और उन सभी चीज़ों को मैं वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और मैं उन सीड्स को भी पानी दे देती हूँ जो कि दिखाई नहीं देते, अनबॉर्न मतलब कि अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, और लेटेंट की मीनिंग होती है हिडन, यानी कि छिपे हुए हैं, और जो अभी जमीन के अंदर छिपे हुए हैं मैं उनको भी पानी देकर क्या कर देती हूँ, उजागर कर देती हूँ। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, और इसी तरह मेरा जो ट्रैवल है वो इसी तरह चलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, ओरिजन का मतलब होता है बर्थ प्लेस, और मैं फिर ये सारी ट्रैवल पूरी करके अपने बर्थ प्लेस पे वापस आ जाती हूँ, यानी कि फिर से ज़मीन में वापस आ जाती हूँ। और किस फॉर्म में आ जाती है, बारिश के फॉर्म में, यानी कि वही पानी है जो समुद्र से उठा, बादल बना वाटर वेपर के फॉर्म में, ऊपर जाके बादल बना, और फिर बादल के बाद फिर बारिश बन के वो ज़मीन पे आ जाती है। तो रेन कह रही है कि मैं उसी फॉर्म में, उस अपने बर्थ प्लेस यानी कि अपने सी में, समुद्र में या ज़मीन पे वापस आ जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और फिर से पूरी धरती को प्योर और ब्यूटिफाई सुंदर बना देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ट और अनरैक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। तो यहाँ फुलफिल की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है कंप्लीशन, यानी कि टू फुलफिल कर देना किसी चीज़ को, और रैक्ट और अनरैक्ट की मीनिंग होती है केयर अबाउट और नॉट केयर अबाउट, यानी कि फ़र्क पड़ता है या चाहे फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉन्डरिंग की मीनिंग होती है टू ट्रैवल। नाउ इन लाइनों में जो पोएट हैं वो रेन का कंपैरिजन एक सिंगर से करते हैं, और कहते हैं कि जिस तरह एक सिंगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका गाना कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, लेकिन सिंगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वह उसी प्रकार उनके हार्ट से निकलकर पूरा ट्रैवल करके, यानी कि ऑडियंस को सुना के फिर से उनके हार्ट में वापस आ जाता है। किस फॉर्म में वापस आता है, लव के या अवार्ड के फॉर्म में उनके पास वापस आ जाता है। तो इसी के प्रकार रेन भी है, तो रेन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह भी अपने बर्थ प्लेस से ऊपर उठती है, यानी कि सी से या लैंड से ऊपर उठती है वाटर वेपर के फॉर्म में, और ट्रैवल करके क्लाउड बन के फिर बारिश के फॉर्म में ज़मीन पे आ जाती है और अपने बर्थ प्लेस में वापस आ जाती है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को अच्छा लगे कि बारिश हुई है या किसी को पसंद ना आए कि बारिश क्यों हुई है, तो इससे रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहीं पे हमारी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम की पोएटिक डिवाइसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इसके हम पोएटिक डिवाइसेस कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइसेस को लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। फर्स्ट पोएटिक डिवाइसेस है परसोनिफिकेशन। स्टूडेंट्स, पूरे पोम में पोएट ने परसोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार का, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है। इस पूरी पोएम में ही नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग मान लिया जाता है उसे मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटल में ही दिया हुआ है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन, इसमें वॉइस जो होती है वो ह्यूमन की होती है। यहाँ रेन की साउंड होती है, लेकिन यहाँ रेन की साउंड के लिए वॉइस का यूज किया गया है, इसीलिए टाइटल में भी पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट लाइन नंबर 3 में हम देख सकते हैं आई एम द पोम ऑफ अर्थ। यहाँ आई रेन के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन लाइन नंबर 6 में यूज हुई है आई डिसेंड टू लिव द। यहाँ आई रेन के लिए आया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। फिर लाइन नंबर 8 में फिर से आई गिव बैक लाइफ टू
माई ओन ओरिजन, यहाँ भी रेन के लिए आई यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है। सेकेंड पोइटिक डिवाइस एलिटरेशन है। एलिटरेशन द यूज़ ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट अ बिगनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। एग्जाम्पल, ही बिल्ट अ बिग पुल। स्टूडेंट, जिस लाइन में कोई कंसोनेंट साउंड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में एक साथ ही आ जाती है, यानी कि दो या दो से अधिक वर्ड होते हैं और उसमें स्टार्टिंग का लेटर जो होता है वो कंसोनेंट्स होता है, वहाँ पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन का यूज़ होता है। फॉर द एग्जांपल, लाइन नंबर वन में हम देख सकते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, यहाँ पे सा और सा साउंड के रिपीट होने से पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है। नेक्स्ट, लाइन नंबर फाइव में वैंस और वैगली, यहाँ व और व साउंड एक साथ यूज़ होने से पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है। नेक्स्ट, टू टेल, लाइन नंबर टू, टा और टा साउंड रिपीट होने की वजह से पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। मेटाफर में स्टूडेंट किसी सेंटेंस में कंपैरिजन होता है लेकिन वह इनडायरेक्ट होता है और कंपैरिजन वर्ड लाइक सो या एज का यूज नहीं होता। फॉर द एग्जांपल हम देख सकते हैं लाइन नंबर थ्री में आई एम द पोम ऑफ अर्थ। इस सेंटेंस में रेन का कंपैरिजन पोम के साथ किया गया है लेकिन कंपैरिटिव वर्ड लाइक सो या एज का यूज़ नहीं है। अगर लाइक सो या एज का यूज़ होता तो यहाँ सिमिली पोएटिक डिवाइस होती, बट लाइक सो और एज ना होने की वजह से, इनडायरेक्ट कंपैरिजन की वजह से मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट, लाइन नंबर थ्री में हम देख सकते हैं द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट ऑक्सीमोरन है। अ फ्रेज दैट कम्बाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। जब दो अपोजिट वर्ड यूज टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हो जाते हैं वहाँ पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन का यूज़ होता है। जैसे डे एंड नाइट, लाइन नंबर एट में हम देख सकते हैं, एंड नेक्स्ट लाइन नंबर इलेवन में रैग्ड एंड अनरैग्ड। रैग्ड की मीनिंग होती है फ़र्क पड़ता है, अनरैग्ड फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होने की वजह से पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन का यूज़ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इमेजरी। इन इमेजरी, फ्रेज दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर। किसी भी पढ़ने वाले के माइंड में जब कोई सेंटेंस पढ़ के कोई उसकी पिक्चर उसके सामने आ जाती है वहाँ पोएटिक डिवाइस इमेजरी का यूज़ होता है। हम देख सकते हैं लाइन नंबर वन में सॉफ्ट फॉलिंग शार, यहाँ ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में बारिश की बौछार हो रही है, तो ऐसी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस इमेजरी का यूज़ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हाइपरबली है। हाइपरबली इज़ अ लिटरेरी टेक्निक वेयर द ऑथर और स्पीकर यूजेस ओवर स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस एंड इफेक्ट। हाइपरबली पोएटिक डिवाइस में किसी भी सेंटेंस में किसी बात को बढ़ा चढ़ा के वर्णित किया जाता है, वहाँ हाइपरबली लिटरेरी डिवाइस का यूज होता है। जैसे लाइन नंबर फोर में बॉटमलेस सी, तो कोई बॉटमलेस नहीं हो सकता ना, चाहे जितना भी डीप होगा उसका कोई ना कोई तो बॉटम होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस हाइपरबली का यूज़ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एनाफोरा है। एनाफोरा इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगनिंग ऑफ फ्रेज और सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस में स्टार्टिंग वर्ड पूरा वर्ड एक ही हो वहाँ एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। जैसे लाइन नंबर सेवन, एट और नाइन में हम देख सकते हैं एंड ऑल दैट एंड फॉर एवर एंड मेक, यानी कि यहाँ तीनों लाइनें एंड वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एनाफोरा का यूज़ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एंड लास्ट कंसोनेंस पोएटिक डिवाइस है, जो इस पोम में यूज़ हुई है। रिपीटिशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साइंड इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। किसी भी लाइन में कोई भी साउंड जो कंसोनेंट साउंड होती है, कंसोनेंट की साउंड अगर प्रोमिनेंट होती है, बार बार यूज़ होती है, वहाँ पोएटिक डिवाइस कंसोनेंस का यूज़ होता है। फॉर द एग्जांपल, लाइन नंबर सेवन में हम देख सकते हैं आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। लाइन नंबर सेवन में डी बार बार यूज होने की, यानी कि ड साउंड बार बार आने की वजह से पोएटिक डिवाइस कंसोनेंस है। नेक्स्ट लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। यहाँ आर आर कंसोनेंट लेटर जो बार बार यूज हो रहा है और इसके साउंड रॉ साउंड बार बार यूज होने की वजह से पोएटिक डिवाइस कंसोनेंस का यूज है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइसेस का ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी पोम के क्वेश्चन आंसर का होगा। आई होप
यू विल गेन गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम के क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस. इस पोम में दो वॉइसेस हैं. वे किससे बिलोंग करती हैं वॉइसेस, और इस पोएम की वे कौन सी लाइंस हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों वॉइसेस किसकी हैं. आंसर है, द टू वॉइसेस इन द पोम आर द वॉइस ऑफ द पोएट एंड द वॉइस ऑफ द रेन. इस पोम में दो आवाज़ें हैं, एक पोएट की और एक रेन की. द लाइन्स दैट इंडिकेट्स द वॉइस ऑफ द पोएट आर एंड Who art you? Said I to the soft falling shower. पहली आवाज़ इसमें पोएट की है, जो कि रेन से पूछ रहे हैं तुम कौन हो. ये आर्ट दाओ का मीनिंग है, हु आर दाओ, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो. Said I to the soft falling, यहाँ पे आई पोएट के लिए आया है, जिसने बारिश की बौछार से कहा है, शावर मीन्स बौछार, उससे पूछा है कि तुम कौन हो. एंड द लाइन्स दैट इंडिकेट द वॉइस ऑफ द रेन आर, और वो लाइनें जो रेन की वॉइस को इंडिकेट करती हैं वो कौन सी हैं. आई एम द पोम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो रेन कहती है कि मैं अर्थ की पोम हूँ. ये आवाज़ किसकी है, यहाँ पे रेन की है. यानी कि बारिश जवाब देती है पोएट को और कहती है कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंथ टू टेल मीन. ये फ्रेज जो पोम में यूज हुआ है स्ट्रेंथ टू टेल, इसकी मीनिंग क्या है. द फ्रेज स्ट्रेंथ टू टेल मीन्स दैट इट इज क्वाइट स्ट्रेंज फिनोमिना दैट द रेन रिप्लाइज टू द पोएट्स क्वेश्चन. यह स्ट्रेंज टू टेल फ्रेज की मीनिंग इन लाइनों में ये है कि एक स्ट्रेंज बात हुई है, बहुत अजीब स्ट्रेंज अजीब सी बात हुई है कि जो बारिश है रेन है उसने पोएट के क्वेश्चन को रिप्लाई किया है. पोएट ने क्वेश्चन पूछा था ना कि हु आर्ट यू, तुम कौन हो, तो उसने रिप्लाई दिया था कि मैं अर्थ की कविता हूँ. तो यही फ्रेज इस पोम में स्ट्रेंज टू टेल हमें बताता है, ये अजीब सी बात है कि एक बारिश पोएट को जवाब देती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. इस पोम में रेन और म्यूजिक के बीच में सिमिलैरिटी है, पैरेलल मतलब एक सिमिलैरिटी दर्शाई गई है, और ये कौन से वर्ड हैं जो इसकी सिमिलैरिटी को बताते हैं, दर्शाते हैं. एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, और इन दोनों की सिमिलैरिटी को हमें एक्सप्लेन करना है. Now answer is, the phrases or words indicate the parallel between rain and music. जो phrases हैं जो इसको दर्शाते हैं इन words को, वो कौन कौन से हैं. poem of the earth, eternal, I rise, impalpable, out of land and the bottomless sea. For the song Delhi, with love returns. Both indicates from the source, rise up, reach fulfillment. And finally return to source of origin with love. यही सभी phrases हैं जो कि rain and music के बीच में similarity को दर्शाते हैं इस poem में. Now we start question number 4th. How is the cyclic movement of rain brought out in the poem? इस poem में cyclic movement rain का क्या कहाँ पर पता चलता है कि cyclic movement आ रहा है. Compare it with the what you have learned in science. और इसको साइंस के वे में कैसे कंपेयर किया जा सकता है. द पोएट एक्सप्लेन्स द साइकिल मूवमेंट ऑफ द रेन एज द वाटर वेपर राइजेज फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी टू रीच द स्काई. तो इस पोम में साइक्लिक मूवमेंट साइंस के वे में हमें कैसे पता चलता है कि जो वाटर होता है लैंड पे, वाटर वेपर जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, या बॉटमलेस सी बताया गया है पोएम में. बॉटमलेस सी का मतलब बहुत जो गहरा समुद्र होता है, वहाँ से
पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है। कहाँ की तरफ उठता है? स्काई की तरफ। इन द स्काई इट ट्रांसफॉर्म्स इट सेल्फ इन टू द क्लाउड, और स्काई में जाके ये अपने आप को किस में बदल लेता है? वाटर जो होता है, पानी होता है, वो क्लाउड में चेंज हो जाता है। आफ्टर वॉन्डरिंग, और अपना कार्य पूरा करने के बाद, दिस क्लाउड डिसेंड टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द रेन, और फिर वापस से पृथ्वी पर आ जाता है। किसकी फॉर्म में? बारिश की फॉर्म में वापस आ जाता है। थस इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजन, और इस प्रकार अपने ओरिजन मतलब बर्थ प्लेस, और अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ जाता है। बर्थ प्लेस की मीनिंग यानी कि जहाँ से वो चला, पानी था, वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में स्काई में गया, और वहाँ क्लाउड बना, और क्लाउड बनने के बाद अपनी जर्नी पूरी करने के बाद फिर अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ जाता है। तो यही लाइनें हमें साइंस के फॉर्म में, साइंस में ये सब बातें हैं ना, वाटर साइकिल है, हमने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में, तो वाटर वेपर के फॉर्म में, इसीलिए इसमें यही लाइनें इंडिकेट्स करती हैं कि ये साइंस के वे में दर्शाया गया है इस फॉर्म में बारिश को। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स? इस फॉर्म की लास्ट दो लाइनों को ब्रैकेट्स में क्यों रखा गया है? ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इस फॉर्म में लास्ट की दो लाइनों को ब्रैकेट में रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है, देखते हैं आंसर। द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन ब्रैकेट बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द वॉइस ऑफ द रेन और द पोएट। स्टूडेंट्स, इस पूरी फॉर्म में पोएट और रेन के बीच में कन्वर्सेशन है, लेकिन लास्ट की दो लाइनों में पोएट ने म्यूजिक और रेन का कंपैरिजन किया है, इसीलिए इन दो लाइनों को ब्रैकेट में रखा गया है। दीज लाइन ओनली कंटेन अ जर्नल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पोएट पुट अबाउट द कोर्स ऑफ अ सॉन्ग। तो लास्ट में एक सॉन्ग के वे में रेन को पोएट ने कंपैरिजन किया है, इस वजह से इन लाइन को ब्रैकेट में रखा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोम। इस पोम में अपोजिट पेयर कौन कौन से हैं, तो ये हम देख लेते हैं। डे एंड नाइट, रैग्ड और अनरैग्ड। रैग्ड भी मीनिंग है केयर अबाउट, और अनरैग्ड नॉट केयर अबाउट, मतलब फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। नेक्स्ट है राइज एंड डिसेंड। राइज मतलब ऊपर उठना, और डिसेंड मतलब नीचे उतरना, नीचे की तरफ आना। तो ये पेयर्स हैं जो अपोजिट हमें दर्शाते हैं पोम में। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर यही कंप्लीट होते हैं पोम के, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। आई होप यू विल सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो। इफ़ यू आर, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQs क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है, इस पोम के MCQs कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये 40 MCQs हैं। अब आप कहेंगे मैम MCQs तो आते नहीं हैं एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में MCQs नहीं आते, ये बात सच है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट आता है, पोम से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट आएगा, जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, एक एक्सट्रैक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड लिखने होंगे। हो सकता है कि उस एक्सट्रैक्ट में वो आंसर ना दिया हो जो क्वेश्चन हो, चूँकि अगर आपने ये MCQs पढ़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स 100% आपको उस क्वेश्चंस के आंसर जरूर आएंगे। आप इस पोम के एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसमें दिया हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 40 MCQs हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। बस आप इस पोम से रिलेटेड कोई भी एक्सट्रैक्ट आएगा तो आप उसके आंसर इजीली दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइसेस भी आएंगे उसमें, हो सकता है पूछा जाए कि इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है, तो अगर आपने पोएटिक डिवाइस का भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना हुआ है, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है, तो इन्हीं MCQs में हु सेड टू होम और सिनोनिम्स वर्ड मीनिंग भी दी हुई हैं, और एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी पोएटिक डिवाइस होगी वो सब इसमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs द वॉइस ऑफ द रेन।
तो फर्स्ट MCQs है द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन। ये पोम किन दो के बीच में कन्वर्सेशन है इस पोम में, तो पोएट और रेन का कन्वर्सेशन है। एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। फॉर सॉफ्ट फॉलिंग शावर यहाँ पे रेन के लिए कहा गया है, शावर मीन्स बौछार। तो पोएट ने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से क्या पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन हु आर यू। जब पोएट ने क्वेश्चन पूछा हु आर यू, तो रेन ने क्या रिप्लाई किया। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, तो रेन ने कहा कि वह अर्थ की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड। ऐसा उसने क्यों कहा कि मुझे टच नहीं कर सकते। बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि जो रेन होती है पानी होता है, जो समुद्र में होता है या नदियों में कहीं पे भी होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है, इसीलिए रेन ने कहा कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कौन से टू प्लेसेस हैं मेंशन है इस पोम में जो कि जहाँ से पानी ऊपर जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो लैंड एंड बॉटमलेस सी ये दोनों वर्ड हैं जो इस पोम में आपके मेंशन है, जहाँ से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है स्काई में और क्लाउड बनने के बाद नीचे फिर रेन के फॉर्म में वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का स्टूडेंट्स यूज हुआ है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक मानवीकरण अलंकार होता है जिसमें नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है। तो इस पूरी पोम में वॉइस किसकी होती है, वॉइस तो ह्यूमन की होती है, ह्यूमन लिविंग बींग्स है, लेकिन यहाँ पे रेन के लिए वॉइस कहा गया है, जबकि रेन की क्या होती है स्टूडेंट, साउंड होती है, और रेन को यहाँ पे लिविंग मानते हुए उसके लिए वॉइस का यूज किया गया है, इसीलिए पूरी पोम में पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण अलंकार का यूज है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन। डिसेंड की मीनिंग होती है कम डाउन, यानी कि नीचे की तरफ आना या नीचे उतरना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ। रेन जो है वो अर्थ की तरफ नीचे क्यों उतरती है, डिसेंड मतलब नीचे उतरना, नीचे क्यों आती है। टू ब्यूटीफाई एंड प्यूरीफाई द अर्थ, अर्थ को ब्यूटीफाई प्यूरीफाई करती है। टू वॉश डॉट्स पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं लघु कण हैं, और डॉट्स मतलब जितनी भी जगह सूखी हैं, और डस्ट लेयर और जितनी भी पृथ्वी पर लेयर जम गई है उसको वॉश करती है। यस, टू प्रोवाइड लाइफ टू सीड्स, जितने भी सीड्स हैं जो पृथ्वी के अंदर हैं उनको पानी देती है जिससे कि वो जीवित हो के उजागर हो जाते हैं, पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं। यस, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज रैकेट और अनरैकेट मीन। स्टूडेंट्स, यहाँ रैकेट की मीनिंग होती है केयर अबाउट, यानी कि किसी को फ़र्क पड़ता है, और अनरैकेट की मीनिंग होती है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों की मीनिंग क्या है, केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न टू इन द पोम। पोम में सॉन्ग वापस कहाँ आ जाता है, टू इट्स ओरिजिन, जहाँ से सॉन्ग निकलता है। जैसे रेन अपने ओरिजिन यानी कि बर्थ प्लेस से कहाँ से निकलती है, पानी से, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है, ओशियन से, लैंड से, सी से, और उसके बाद क्लाउड बनती है, और उसके बाद फिर वापस से रेन की फॉर्म में अपने ओरिजिन यानी कि बर्थ प्लेस पर वापस आ सकती है। उसी प्रकार एक सॉन्ग भी सिंगर के हार्ट से निकलता है और पूरा अपना ट्रैवल पूरा करता है, मतलब गाना सुनाता है सबको, ऑडियंस को, किसी ऑडियंस को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, और फिर वापस लव और अवार्ड के फॉर्म में उसके हार्ट में वापस आ जाता है। तो ये इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि इस पोम में जो सॉन्ग है कहाँ वापस आ जाता है, टू इट्स ओरिजिन, मतलब जहाँ से निकलता है वहीं वापस आ जाता है, और सिंगर के हार्ट में कैसे वापस आता है, वो लव के फॉर्म में, ऑडियंस क्लैपिंग करते हैं, उनको लव करते हैं, या उनको कोई प्राइज मिलता है तो उस फॉर्म में सॉन्ग वापस आ जाता है सिंगर के पास। तो टू इट्स ऑरिजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दाउ। ये आर्केइक वर्ड है स्टूडेंट्स, आर्ट और दाउ, आर्केइक वर्ड्स ओल्ड फैशन वर्ड होते हैं इंग्लिश के,
तो जिसकी मीनिंग है हु आर यू, आर्ट की मीनिंग है आर और दाओ की मीनिंग होती है यू, तो इसकी मीनिंग है हु आर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द वर्ड एटर्नल मीन, एटर्नल की मीनिंग क्या होती है, फॉर एवर या अनएंडिंग, हमेशा चलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, इट इज कॉल्ड एटर्नल। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेन हेल्प द सीड इनसाइड द अर्थ, सीड को रेन कैसे हेल्प कर देती है जो वो पृथ्वी के अंदर होता है, प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्प देम टू ग्रो टू सीड, क्योंकि जो रेन होती है वो बारिश देती है, पानी देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर जो सीड होता है वो उजागर हो जाता है और उसको लाइफ प्राप्त हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द रेन डू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, रेन बिना किसी स्वार्थ के क्या कार्य करती है, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है कि कोई उसको कुछ दे या नहीं दे, तो वो क्या होता है, शी कम्प्लीट्स हर वर्क एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिन, वह अपना कार्य पूरा करती है और अपने ओरिजिन में वापस आ जाती है, ओरिजिन मतलब बर्थ प्लेस में वापस आ जाती है। शी कौन, रेन, रेन होती है, अपना कार्य पूरा करती है, मतलब पानी देती है, पृथ्वी को हरा भरा करती है और सीड्स को उजागर करती है, सबको ब्यूटीफाई करती है, ग्लोब को ब्यूटीफाई कर देती है और उसके बाद अपने बर्थ प्लेस वापस आ जाती है। तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रेन विद डैश, इन लास्ट लाइन में पोएट रेन का कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, सॉन्ग के साथ, और बताते हैं कि जिस प्रकार एक सॉन्ग अपनी जर्नी पूरी करके वापस आ जाता है अपने बर्थ प्लेस पे, उसी प्रकार रेन भी अपनी पूरी जर्नी करके अपने बर्थ प्लेस वापस आ जाती है, यानी कि लैंड या बॉटमलेस सी पर वापस आ जाती है, और सॉन्ग भी सिंगर के हार्ट से निकलता है और वापस से अवार्ड के फॉर्म में सिंगर के पास वापस आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद ए सॉन्ग, जो पोएट है वो रेन का कंपेरिजन सॉन्ग के साथ क्यों करते हैं, बोथ आर यूजफुल, येस, बोथ वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी स्वार्थ के दोनों काम करते हैं, येस, बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, दोनों की जर्नी सेम है, मतलब अपना कार्य पूरा करते हैं और वापस आ जाते हैं, येस, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम वेयर डज आर सॉन्ग ऑरिजिनेट, सॉन्ग कहाँ से निकलता है, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए सिंगर, सिंगर के हार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फ्रेज पोएट हैज यूज्ड मेटाफर इन द पोम, पोम में कौन से फ्रेज में मेटाफर का यूज है, आई एम पोम ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, मेटाफर पोएटिक डिवाइस में कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन शो करने वाले वर्ड एज सोर लाइक का यूज नहीं होता, जैसा कि इसमें आई एम पोम ऑफ अर्थ का कंपैरिजन पोम के साथ किया गया है, लेकिन कंपैरेटिव वर्ड का यूज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज है। नेक्स्ट, व्हाट हाइपरबली हैज बीन यूज्ड इन द पोम, हाइपरबली का पोम में यूज कहाँ पे किया गया है। स्टूडेंट्स, हाइपरबली पोएटिक डिवाइस में एग्जाग्रेशन का यूज होता है, मतलब वहाँ पे पोएट जो है बढ़ा चढ़ा के वहाँ वर्णन करता है, जैसा कि इस पोम में बॉटमलेस सी कहा गया है, तो सी का कोई ना कोई तो बॉटम जरूर होगा, कहा गया है बॉटमलेस सी, तो इसलिए बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस हाइपरबली का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे जब क्या होता है, जब रेन वापस आती है तो अर्थ इज ब्यूटिफाइड, अर्थ बहुत ही सुंदर हो जाती है, क्योंकि बारिश पड़ने से जितनी भी डस्ट होती है ग्लोब पे हमारे अर्थ पे वो सब साफ हो जाती है, तो इसलिए वो अर्थ को कैसे कर देती है, ब्यूटिफाई कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग, पोएट ने रेन का कंपेरिजन एक सॉन्ग के साथ क्यों किया है, बिकॉज शी प्यूरिफाइज द अर्थ, बिकॉज शी प्रोवाइड लाइफ टू द सीड्स, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, यह आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि उसने पोएट ने रेन का कंपैरिजन सॉन्ग के साथ तो इसलिए किया था कि दोनों अपनी जर्नी पूरी करते हैं, ट्रैवल पूरी करते हैं और अपने बर्थ प्लेस वापस आ जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया, इसलिए नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल कम क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द पोएट ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन के पोएट कौन है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन
कि टाइटल में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस एक ही बात है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरी पोयम में पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण अलंकार का यूज हुआ है। इस पोएटिक डिवाइस में नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है। तो पूरे पोम में यहाँ रेन को लिविंग माना गया है, इसीलिए द वॉइस ऑफ द रेन में पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि वॉइस ह्यूमन की होती है और साउंड होती है रेन की, और यहाँ रेन के लिए वॉइस का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज है। नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24। वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोम। सॉन्ग कहाँ पे पोम में सॉन्ग कहाँ पे वापस आ जाता है? टू इट्स ओरिजिनेटर, दैट इज सिंगर। तो सॉन्ग जहाँ से ओरिजिनेट होता है सिंगर के हार्ट से, वहीं पे वापस आ जाता है। तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कौन से दो प्लेसेस फॉर्म में डिस्क्राइब किए गए हैं जहाँ से रेन जो पानी है वाटर वेपर के फॉर्म में स्काई की तरफ जाता है? तो लैंड एंड द बॉटमलेस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारी पोम में लैंड और बॉटमलेस सी दो ऐसे प्लेस दिखाए गए हैं जहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26। व्हाट हैपन्स टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब रेन अपने सरफेस एरिया पे वापस आ जाती है तो क्या होता है? इट प्यूरिफाइज द अर्थ को प्यूरिफाई कर देती है। इट ब्यूटिफाइज द अर्थ को ब्यूटीफुल बना देती है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वट डज द वर्ड वैंस इन द पोम मीन। वैंस की मीनिंग क्या है? स्टूडेंट्स, ये वैंस ओल्ड फैशन वर्ड है, आर्केक वर्ड है जो यूज किया गया है। तो वैंस की मीनिंग यहाँ पर वेयर है। ये वर्ड पोम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। वैन रेल फॉर्म डिसेंड ऑन अर्थ इट वॉशेस। जब रेन अर्थ पर आती है तो ये क्या वॉश करती है? एटॉमिस यानी कि छोटे छोटे कणों को, पार्टिकल्स होते हैं जो, उनको भी धो देती है। ड्रॉट जहाँ भी सूखा होता है उसको सही, मतलब उसको भी पानी प्रदान कर देती है। डस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, डस्ट की जो लेयर है उसको साफ कर देती है। डस्ट लेयर अर्थ पे जो होती है उसको साफ कर देती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इमेजरी वॉज यूज इन द पोम। पोम में इमेजरी पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज है? तो स्टूडेंट्स, इमेजरी का मतलब होता है ऐसा फ्रेज जिसको पढ़ के हमें उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाए, पढ़ते ही उसकी पिक्चर हमें सामने आ जाए, वहाँ इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। जैसा कि पोम में सॉफ्ट फॉलिंग शावर में पोएटिक डिवाइस इमेजरी का यूज है। इस सॉफ्ट फॉलिंग शावर पढ़ते ही हमें लग रहा है ना कि हमारे हाथों में शावर मतलब बहुत छार पानी की बूंदें आ गई हैं, तो इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस इमेजरी का यूज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द रेन। रेन का बर्थ प्लेस क्या है? अर्थ। नेक्स्ट, आई गिव लाइफ टू माई ओन ओरिजन, व्हाट डज ओरिजन रेफर टू इट दिस लाइन। इस लाइन में ओरिजन किसको रेफर करता है? तो अर्थ। अर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट वॉज स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज किसके लिए कहा गया है? अजीब सी बात, स्ट्रेंज मतलब अजीब, किसके लिए है? आंसरिंग द क्वेश्चन बाय द शार। शार मतलब रेन। रेन जो आंसर देती है ना पोएट के क्वेश्चन का कि मैं अर्थ की कविता हूँ, तो यही स्ट्रेंज बात है इस पोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज बॉटमलेस। बॉटमलेस क्या है इस पोम में? बॉटमलेस सी के लिए कहा गया है। तो द सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ, हाउ इज शावर फॉर्म्ड। शावर कैसे फॉर्म किया गया है, मतलब जो पानी है कैसे दिखाया गया है? वैगली। वैगली मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर वेपर के फॉर्म में वो जब स्काई पे जाता है तो हम उसको टच नहीं कर सकते ना, इसीलिए उसे वैगली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द शावर ऑन द सीड्स। जब पानी आता है, रेन होती है, तो सीड पे उसका क्या इफेक्ट होता है? इट मेक्स देम कम आउट ऑफ द अर्थ। तो पानी पड़ने से, बारिश की बूंदे पड़ने से जो अर्थ के अंदर सीड होता है वो उजागर हो जाता है, बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजन, हु सेड दिस। कि मैं अपने ओरिजन को लाइफ देती हूँ, ये किसने कहा है? तो द शावर इज द करेक्ट आंसर, रेन ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट मेक्स द अर्थ
प्योर एंड ब्यूटीफाई। अर्थ को प्योर और ब्यूटीफुल कौन बनाता है? तो द शावर यानी कि रेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई डज द पोएट कंपेयर्स द रेन विद द सॉन्ग? जो पोएट हैं वो रेन का कंपैरिजन सॉन्ग के साथ क्यों करते हैं? बिकॉज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, क्योंकि दोनों क्या होता है, दोनों अपनी जर्नी पूरी करके बर्थ प्लेस पर वापस आ जाते हैं। जैसा रेन होती है और सबको ब्यूटीफाई करके और वापस से अपने अर्थ प्लेस पर वापस आ जाती है बर्थ प्लेस पर, इसी प्रकार एक सॉन्ग भी सिंगर के हार्ट से निकल के उसी के हार्ट में लव के फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इसीलिए सॉन्ग का कंपैरिजन पोएट ने रेन के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज। व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट? किस बात से पता चलता है कि रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बॉदर यानी कि परेशान, क्या वो परेशान नहीं होती, चाहे उसके कार्य को कोई पसंद करता है या नहीं? तो आंसर है शी कम्प्लीट्स हर वर्क एंड कम बैक होम, और वो अपना काम पूरा करती है और अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ जाती है। इस बात से हमें पता चलता है कि रेन को अपने कार्य पूरा करने से मतलब है, किसी की उसको परवाह नहीं है कि कोई उसको पसंद करे या ना करे। ऐसा होता है ना, बारिश होती है, कुछ लोग सोचते हैं वाह अच्छा हुआ बारिश हो गई, कितना अच्छा हरा भरा हो गया, और कुछ लोग कहते हैं अरे कीचड़ हो गया, गलत हो गया। तो इसीलिए रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को अच्छा लगे या ना करे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सभी MCQs कंप्लीट होते हैं। इन्हीं MCQs के साथ स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हॉर्नबिल बुक के द एडवेंचर चैप्टर के समरी के साथ आपसे मिलते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यू विल गेन गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पोंग का पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेनेशन समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।